सरकार राहुल की हुई घर वापस, कांग्रेस में मचा घमासान आपस। नेतृत्व क्षमता को लेकर उठ रहे सवाल, अपने ही मचा रहे बवाल। 16 फरवरी से छुट्टी पर गए राहुल गांधी 16 अप्रैल को आखिरकार वापस लौट आए हैं, लेकिन राहुल गांधी की वापसी के साथ ही वो सारे सवाल फिर से शोर करने लगे हैं जो उनके जाने से पहले थे। और सबसे बड़ा सवाल है नेतृत्व का। आखिरकार राहुल की हुई घर वापस, कांग्रेस में मचा घमासान आपस। नेतृत्व क्षमता को लेकर उठ रहे सवाल, अपने ही मचा रहे बवाल। दरअसल कुछ लोग राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ सोनिया गांधी के हाथों में कमान के ही पक्षधर हैं। यानी कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में मचा है बवाल। किसी ने नाराजगी की कही थी बात, तो किसी ने चिंता का बताया था चिंतन। किसी ने उत्तराखंड में बताया राहुल बाबा का पता, लेकिन पता चला है कि वो बैंकॉक से आए हैं वापस। जो भी हो, 2 महीने के अवकाश के बाद राहुल बाबा की घर वापसी हुई है और घर में घमासान मचा है। नए जोश के साथ आत्मचिंतन करके राहुल जी हमारे बीच में वापस लौटे हैं। नेतृत्व करने के लिए एक नए जोश से देश की समस्या, सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और इस देश की जनता उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आधे इधर और आधे उधर, बीच में कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी, माकन और दिग्गी राजा का दिल राहुल की पदोन्नति में अटका पड़ा है। शीला दीक्षित, संदीप दीक्षित और कैप्टन साहब को कोई और गवारा नहीं सोनिया गांधी के सिवा, क्योंकि इनको राहुल की काबिलियत पर शक है। मेरे लिए तो सोनिया जी इज नंबर 1 एंड आई थिंक शी इन दिस क्वेश्चन ऑफ जो हमारी पार्टी को रेज करना है, वो ऊपर ले जाना है, फिर शी इज द पर्सन हु कैन डू इट एंड राहुल जी शुड सपोर्ट हर। सोनिया गांधी जी की लीडरशिप की आवश्यकता कांग्रेस को है और वो कंटिन्यू करें प्रेसिडेंट। मैं तो कह रही हूँ, इस वक्त कह रही हूँ, अब वो प्रेसिडेंट की इजाजत में करे, किस में करे, वो उनका फैसला है। वर्तमान ठिठका खड़ा है, भविष्य भंवर में पड़ा है। सियासी शून्य पर खड़ी कांग्रेस के लिए इससे कठिन दौर शायद ही कभी रहा होगा। सवाल नेतृत्व का है, नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की अपनी समस्या है, उनके नेता लुप्त होते हैं, उनके नेता जो है वो ध्यान में चले जाते हैं, उसके बाद ध्यान से वापस आकर के फिर प्रकट होते हैं, तो ये सारे प्रकट होने और लुप्त होने का काम कांग्रेस में चलने दीजिए। बहरहाल एक धड़ा जहां सोनिया के साथ खड़ा है, वहीं दूसरा धड़ा राहुल की ताजपोशी की तस्वीर सजा रहा है। दो धड़ों के इस खेल में सवाल ये है कि कहीं कांग्रेस का बंटा धार न हो जाए। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो आखिरकार 2 महीने बाद राहुल गांधी वापस लौट आए हैं, उनकी घर वापसी हो गई है, लेकिन अब पार्टी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर बवाल मचा है। सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आखिरकार अब राहुल गांधी वापस लौट आए हैं, लेकिन अब पार्टी क्यों कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर दो धड़ों में बट गई है? गायत्री जी, मुझे तो मालूम नहीं कि कहां पार्टी बटी है, क्या कोई खबर है आपके पास या किस तरीके की जो बात आ रही है। बिल्कुल सुनी मैंने अमरिंदर सिंह जी के, कैप्टन साहब की भी बाइट सुनी और मैंने अपना शीला दीक्षित जी की भी बाइट सुनी, तो और उसमें मुझे तो कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। हमारी सर्वोच्च नेता आज की डेट में हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, राहुल जी उपाध्यक्ष हैं और सोनिया गांधी जी को मैंने ये कहते सुना है शीला दीक्षित जी को कि भाई चाहे वो जिस रूप में रहे लेकिन वो नेतृत्व करें, उनके पास बाकायदा अनुभव है और यही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही और राहुल गांधी उनको सपोर्ट करें। तो हम लोग कोई भारतीय जनता पार्टी की तरीके से तो है नहीं कि मार्गदर्शक मंडल बना ले और सारे नेताओं को कभी चित्रकूट भेज दें और कभी कहीं किसी वनवास में भेज दें, तो हम लोगों की ये परंपरा नहीं है, ना नीति है ना प्रीति है। तो यहां पर तो जो एक कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार आज की डेट में श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, बाकी पूरी सेना के साथ, पूरी फौज के साथ हम लोग करोड़ों कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये तो हो गई एक बात, और जो दूसरी बात, जिस तरीके से धड़ेबाजी की बात हो रही है, मतांतर की बात हो रही है, अमिताभ अग्निहोत्री जी तो आज से नहीं,
हम लोग छोटेपन से देख रहे हैं कि बरसों बरस से सारी चीजें कवर करते आ रहे हैं, चाहे आज अखबार के जरिए हो और चाहे और चीजों के जरिए हो। बनारस से लेकर दिल्ली तक का सफर इन्होंने बहुत अच्छे से तय किया है और अच्छे तरीके से जानते हैं कि राजनीति में मतांतर की जगह हमेशा होती है और कमरे के अंदर जो मतांतर है, कमरे के बाहर पार्टियां आकर के, कमरे के अंदर बहुत झगड़े करते हैं लेकिन कमरे के बाहर आकर के पार्टी एक आदमी के नेतृत्व में चलती है और आज की डेट में हमारा नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी कर रही हैं। जब नेशनल कॉन्क्लेव होगा उसके बाद क्या पार्टी निर्णय लेती है, CWC निर्णय लेती है, उसके हिसाब से आगे पार्टी चलेगी। कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं, ये मतांतर होना स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। विजय बहादुर पाठक जी, क्या इतना ही सरलीकरण, जिस तरीके से सरलीकरण कर रहे हैं इस मुद्दे का, क्या ये इतना सरल सा मुद्दा है जो सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि ये मतांतर है, इससे पार्टी दो धड़ों में नहीं बटी है? देखिए गायत्री जी, पिछली बार भी इस पर चर्चा थी तो जब ये कहा गया कि इनका निजी मैटर है तो अमिताभ जी को था, तो ये राजनीतिक दल है कांग्रेस और राजनीतिक दल में यदि कोई घटना घटित होती है तो दूसरे प्रतिपक्षी भी उस पर नजर रखते हैं, निश्चित तौर पर। जिस तरह से सुरेंद्र जी ने कहा और आपका सवाल था तो इन्होंने कहा मतांतर होना चाहिए और कमरे में, लेकिन यहां मतांतर बाहर दिख रहा है। दोनों नेताओं की, शीला दीक्षित की और अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो बाइट हमने सुनी, वो जो राय है वो बाहर है, कैमरे पर है। इन्होंने राजपूत जी, मैं आपने बोला था तो मैं चुप था, थोड़ा सा शांति हो जाए तो ठीक रहेगा क्योंकि यहां समय की घड़ी चलती है और टाइम उतना ही है। तो जो जो परिस्थिति है, आप ही ने कहा कि कमरे और कमरे के बाहर, तो ये विरोधाभासी है। दरअसल तर्क नहीं है राहुल के बचाव में। जिस तरह से आपने देखा कि RPN सिंह राहुल जी के आने पर और बाकी चीजों पर दे रहे थे, 56-57 दिन बाद स्पीच में दो बार, एक बार हम लोग भी इस विषय पर चर्चा यहां कर चुके हैं, आज भी कांग्रेस के प्रवक्ता यह बताने की स्थिति में नहीं थे कि वे कहां गए थे और क्या क्या कार्यक्रम था, कोई नहीं, और कोई फुटेज किसी टीवी को नहीं मिला। क्यों? ऐसा नहीं है कि राहुल जी को यह पता नहीं होगा कि उनके जाने पर कितनी चर्चा हुई, उनके ना आने को लेकर कितनी बार उनके पार्टी के स्पोक्समैन को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, और परसों जब अजय माकन से पूछा गया तो इरिटेट होकर उन्होंने कहा कि भाई जब आएंगे तो बता दिया जाएगा। तो ये जो परिस्थिति है, अगर जिस टीम को आपको लीड करना है, उस लीड करने वाली टीम में इतना कम्युनिकेशन डिफरेंस होगा तो कैसे आप लीड करके ले जाएंगे, यह बड़ा सवाल है। राहुल जी लौटे हैं, स्वाभाविक है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, पार्टी के राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करके वो क्या सीख क्या है, कैसे प्रतिपादित करेंगे, अभी 19 तारीख को वो एक मेगा शो जो कांग्रेस करने जा रही है उसमें दिखेंगे, तो देखा जाएगा। कैसे जैन साहब, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर कयास तो पहले लग रहे थे, अब तो साफ हो चुका है कि राहुल गांधी को कमान सौंपने की पूरी तैयारी हो चुकी है, और उसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान आना विरोध में, क्या ये महज एक मतांतर है या एक बड़ा विरोध है राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए गायत्री जी, ये जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दलों में आपसी टकराव की बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर वो बात उभर करके बाहर आ जाए इसका मतलब ये है कि स्थिति जो है कहीं ना कहीं विकट है और संभालने में दिक्कत आ रही है। और राहुल गांधी जी, वो पार्टी का अपना मत है कि किसको चुन रहे हैं, किसको बना रहे हैं, लेकिन ये नेतृत्व की बात है, और जब पार्टी एक नेतृत्व कर रही है और आप किसी को नेतृत्व सौंपने जा रहे हैं, और वो व्यक्ति जिसको आप एक तरीके से अपना अपनी पार्टी का लीडर चुन करके इसको सामने ला रहे हैं, उसमें बात ये उभर के आ रही है उसको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उसके जस्ट पहले वो दो दो महीने तक जो है गायब रहता है और उसकी कोई खबर नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, कहां पर है। वो व्यक्तिगत रूप से अपना जा सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन अगर उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी से मिलने जा रही है तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके बारे में वो कहां पर है, क्या है, ये चीजें जरूर उभर करके आनी चाहिए थी। लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस जाने, लेकिन चूंकि एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टियों का पूरा प्रभाव जो है राजनीति पे पड़ता है, और राजनीति का प्रभाव यहाँ की जनता, यहाँ के जो देश है उसकी जो सिस्टम है उसके ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता जरूर है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट होना चाहिए कि अगर आप पार्टी में इस तरीके से स्थितियां अनकंट्रोल्ड है तो इसका क्या परिणाम होगा, पार्टी किस स्तर पे जा रही है, समझ में आ रहा है। ठीक है,
अमिताभ जी, राहुल गांधी की घर वापसी और उसके बाद एकाएक तेज होते विरोधी स्वर उनके खिलाफ किस तरीके से देखते हैं? तीन बातें कहूंगा, उससे आगे की बहस में सबको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, खासतौर पर मेरे भाई सुरेंद्र जी को। अमरेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी का करिश्मा अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ, इसलिए सोनिया गांधी की लीडरशिप ही चले। इस बात को नोट किया जाए, यह मतांतर नहीं है, यह लाठी डंडा है। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, उन्होंने कहा कि पूरे जो विपक्ष है, गैर भाजपा दल है, गैर एनडीए दल है, वो सोनिया जी के अलावा किसी की लीडरशिप में एकजुट नहीं हो सकते, इसलिए सोनिया ही कंटिन्यू करें। इसका अर्थ क्या है? अनपढ़ भी जान लेगा कि राहुल गांधी की लीडरशिप में विपक्ष नहीं चलेगा साथ, और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के लिए ऐसा अध्यक्ष चाहिए जिसकी हैसियत इतनी बड़ी हो कि विपक्षी लोग भी उसके पक्ष में, उसके साथ, उसकी सदारत में कहीं जा सकें, पैदल मार्च कर सके। ये दो बातें। संदीप ने तो यहां तक कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही 98% लोग सोच रहे हैं कांग्रेस के। खैर छोड़िए, उनका दावा है, मैं उस विवाद में नहीं पड़ता। लेकिन तीन विभागों में बटी, गायत्री ने दो बताए, मैं तीन विभाग बताता हूं। एक दिग्विजय सिंह, अजय माकन, राहुल लाओ देश बचाओ अभियान समिति, दूसरा अमरेंद्र, शीला दीक्षित और रेणुका चौधरी, एक वर्ग, और तीसरा आरपीएम से लेके सुरेंद्र भाई तक जो एहतियात के साथ खेल रहे हैं, वो कहते हैं कि सोनिया जी राहुल जी के नेतृत्व में करोड़ों कार्यकर्ता संघर्ष करेंगे। कोबर छोट कहत अपराधु, झंझट में नहीं पड़ो। तीन भागों में कांग्रेस इस वक्त दिख रही। एक दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था, जिस पर बहस में क्यों लेके आया, सार्वजनिक जीवन के बड़ी हैसियत का कोई आदमी मुझे अपने पूरे जीवन काल में याद नहीं आता जो 56 दिन गुमनामी बाबा की तरीके से गायब हो जाए और पता नहीं लगे कहां है। जनता के सामने उसका कारण और लोकेशन हमेशा रही। इतने लंबे समय तक कोई शीर्ष राजनीतिक व्यक्ति अनुपस्थित तो नहीं हुआ, राजनीतिक फलक से अगर हुआ तो जनता के पास उसकी लोकेशन और कारण पार्टी ने रखे। सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन राहुल गांधी कोई आम शख्स तो है नहीं, इतनी बड़ी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ अमेठी के सांसद भी। वो 56 दिन तक कहां रहे, इसका बाकी लोगों को, उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों को तो छोड़िए, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक को नहीं पता, बड़े नेताओं तक को नहीं पता, क्यों? भाई, इस बात का जवाब तो दो लोग दे सकते हैं, या तो राहुल जी ने जिसको अधिकृत किया हो और या राहुल जी स्वयं। दो बातें। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि क्या राहुल जी जहां गए उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन किया, अपनी अध्यक्षा से पूछ करके नहीं गए, अपने लोकसभा की अध्यक्षा को बता करके नहीं गए? आप इस चीज को देखिए कि पिछले 2 महीने से जिस प्रकार से एक स्लोगन मॉन्गरिंग हो रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अनुषांगिक संगठन है, जो मित्रगण है, उनके सारी गवर्नेंस को छोड़ करके ये लोग सिर्फ और सिर्फ राहुल जी की लोकेशन के पता लगाने में इतने ज्यादा मशरूफ हो गए कि मसर्रत आलम पाकिस्तान के झंडे लहरा गया, जिलानी के साथ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा गया। वहां पर इन लोगों को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। इनका गृह मंत्री ये कह रहा है जाकर कि ऐसा होना चाहिए, इनके विदेश मंत्री ये कह रहे हैं वैसा होना चाहिए, और इनके प्रधानमंत्री, जो कि आज तक 65 साल के इतिहास में नहीं हुआ, कि साहब वहां पे ओलांडे के साथ चाय पीते हुए कह रहे हैं कि भारत एक स्कैम्स का देश हो गया था। क्या विदेश नीति? इस पर इनका ध्यान नहीं गया। इनकी सारी एजेंसी, सारी सरकार, और ये इनके मिस्टर बलूनी और नकवी साहब लुप्त और आइटम सॉन्ग और किस किस तरीके की जो बातें कर रहे हैं, उनको छोड़िए, आम जनता को भी, आम जनता को इधर उधर मत कीजिए। आम जनता को क्या अपने सुशासन का हक नहीं है? आम जनता ने क्या भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी को ढूंढने के लिए चुना है? सुरेंद्र जी, और राहुल गांधी अगर कहीं गैर कानूनी ढंग से गए थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस तरीके की बदतमीजी की बातें बंद करे, इस तरीके का चरित्र हनन बंद करे भारतीय जनता पार्टी। आपकी बात आ गई। सुरेंद्र राजपूत ने जो बात कही, कश्मीर, मसर्रत, मुफ्ती मोहम्मद सईद, भाजपा का गठबंधन, वो एक अलग बहस का विषय है। आज हम फिर अपने मूल बहस पर रहेंगे, अगर उस पर भटकेंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी, उतना समय नहीं मेरे पास, कुल 27 मिनट का शो है। मैं सुरेंद्र भाई को बहुत प्यार से कहूंगा,
वो वैधानिक यात्रा पर गए, वैधानिक ही सारे काम किए, करना भी चाहिए, बहुत बड़े परिवार के बच्चे हैं वो, लेकिन फिर भी इस देश को ये जानने का हक है कि सार्वजनिक जीवन का इतना बड़ा चेहरा 56 दिन कहां है? इससे पहले भारत में कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए मैंने सवाल खड़ा किया। भाजपा क्या कर रही, भाजपा जाने, लेकिन मुझे जानने का हक है। भारत के आजाद इतिहास में जवाहरलाल से लेके आज तक कोई उदाहरण नहीं, इतने बड़े कद का पॉलिटिशियन 56 दिन 56 दिन डिसअपीयर रहे। इसलिए सवाल उठा, नहीं नहीं अभी 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 आपको अमिताभ जी मुझे जवाब देना होगा। भारत जो है सिर्फ आजाद भारत नहीं, भारत हजारों साल की परंपरा का है, और आजादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर तमाम नेता इस तरीके के रहे। हाँ, नेताजी सुभाष राहुल गांधी जी लौट आए हैं, राहुल गांधी जी लौट आए, वो आपको जवाब देंगे। कोई विषय जो है उससे भटकाव की है, जो आपने जो तीसरी श्रेणी बताई है। विजय भाई एक मिनट मुझे बहस कंडक्ट करने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी आज लगातार गलत ट्रैक पर पता नहीं क्यों बैटिंग कर देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस योजना पूर्वक है, नहीं 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 सुन लो भाई, नेताजी जब गए थे, जब वो डिसअपीयर हो रहे थे, उसका तमाम क्रांतिकारी डिसअपीयर होते थे, वो उसका पृष्ठभूमि दूसरी थी, अंग्रेज शासक उनको ढूंढते थे, इसलिए आज ऐसी स्थिति नहीं, इसलिए तर्क तो खारिज हो जाता। विजय बहादुर पाठक जी मेरा सवाल फिर वही, भारत के राजनीतिक इतिहास में कोई इतना बड़ी पर्सनालिटी नहीं है जो 56 दिन तक बिना वेयर अबाउट बताए गए डिसअपीयर रहा हो, इसलिए सवाल उठ रहा है। अमिताभ जी, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष का स्वास्थ्य खराब था और उनको बाहर जाना था। आपको स्मरण होगा कि जनार्दन द्विवेदी किसी ने सवाल नहीं उठाया, प्रेस एक व्यक्ति आई, किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन वो बाहर आए, प्रेस के सामने उन्होंने बताया कि ये यात्रा थी, ऐसे ऐसे जाएंगी और इतने तक आएंगी। इन 56 दिनों में आप बता दीजिए कि एक पार्टी का प्रवक्ता, पार्टी का एक नेता यह बताने की स्थिति में रहा हो कि वो कहां गए। आज लौटने के बाद आरपीएन सिंह बाकी सारे मुद्दों पे बोल रहे थे, जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, लेकिन यह किसी ने नहीं बताया, सारे जगहों पर खबरें पीटीआई के हवाले से चली है कि वो वहां गए थे, किसी भी अधिकृत व्यक्ति ने नहीं कहा, जबकि आप भी जानते हैं कि लगातार सभी राजनीतिक दलों में रोज प्रवक्तागण जो घटनाएं घट रही होती हैं उन घटनाओं पर जवाब दाखिल करते हैं, जवाब देते हैं, तो यह संशय उनकी यात्रा को लेकर क्यों, और यही सारा सवाल है जी। ठीक है, ठीक विजय भाई, केसी जैन साहब एक सवाल है। विजय बहादुर पाठक ने एक अच्छी बात कही, मुझे स्मरण है जब सोनिया जी अमेरिका गई थी इलाज के लिए, तो उनकी पार्टी के धुर विरोधियों ने, आपकी पार्टी तो विरोधी नहीं है, तो 50-50 वाली है, खट्टा मीठा है ना, जो 100% विरोधी थे उन्होंने भी टेलीफोन पर ट्वीट करके चिट्ठी लिख के श्रीमती गांधी को शुभकामनाएं दी थी। ये भारत की संस्कृति है, हम मर्यादा जानते हैं, भारत के लोग हम जानते हैं कि किसी की भी देह में समस्या हो सकती है। पूरे भारत ने कहा कि सोनिया जी गेट वेल सून, किसी ने अच्छी बात नहीं की, लेकिन 56 दिन आप गायब रहे और आने के बाद भी, जो पाठक जी सही सवाल, आने के बाद भी कोई बोलने को तैयार नहीं, चलो पहले ने बताया गुप्त यात्रा थी, अरे अब तो सिद्धि करके लौटे हो, अभी बता दो कि भाई आश्रम में थे। जैन साहब, इसमें छुपाने की कौन सी बात, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। देखिए अमिताभ जी, कि जो कांग्रेस पूरी पार्टी है, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के सामने पूर्ण रूप से बौनी हो गई है। उनसे न तो कोई सवाल कर सकता है, न तो कोई जवाब जान सकता है, और दूसरी बात यह भी है कि ये उनकी अपनी निजी यात्रा हो सकती है, लेकिन इतना बताने में क्या आपत्ति है कि कहां गए थे और क्या कर रहे थे साथ में, कुछ भी निजी कारण ही बता देते, और साथ में वो केवल उनका केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं है, वो सार्वजनिक जीवन में है। अगर कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो सार्वजनिक जीवन में आ जाता है, और वो सांसद है। किसी जन एक सेकंड रोकूंगा, आपको भी याद होगा, विजय भाई को भी याद होगा, सुरेंद्र जी को भी याद होगा, व्यक्तिगत यात्रा पर भी बड़ा नेता जाता, मैं छोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा, वो तो किसी यात्रा पर जाए कौन नोटिस ले रहा, बड़े नेता जब जाते हैं तो एक बाकायदा कम्युनिके जारी होता है कि लालकृष्ण आडवाणी फला व्यक्तिगत यात्रा पर फला जगह रहेंगे, मुलायम सिंह जी फला यात्रा पर व्यक्तिगत यात्रा पर जा रहे, होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, नाम तो नहीं होता, गुप्त कौन सी बात है, मैं नहीं समझ पा रहा। जैन साहब, वही चीज, और साथ में ये जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, तो जिम्मेदारी तो बनती ही है।
लेकिन अब इसका जवाब जो सुरेंद्र राजपूत जी ने जो जवाब दिया, लेकिन अब साहब जी ये हमको जवाब सुरेंद्र जी ने ठीक है, उतनी जितनी जितनी जितना वो जैल साहब को देना चाहिए क्योंकि उन्होंने समर्थन देकर उन्हें सांसद बनाया है। अरे जैल साहब का जवाब देंगे हमको ना दे, लेकिन सुरेंद्र भाई जैल साहब को जरूर बता दें क्योंकि सांसद के रूप में समर्थन दिया था। सुरेंद्र राजपूत जी ने जितनी उनकी जानकारी थी उन्होंने शेयर की कि भाई इसका जवाब ये तो राहुल गांधी खुद दे सकते हैं या वो जिसको अच्छे से वो दे सकते हैं। तो लेकिन यह है सार्वजनिक जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि व्यक्तिगत रूप से अलग होती हैं, तो ये चीजें उभर करके आनी चाहिए कि कहां पे थे क्या था, एक लंबा समय था। ठीक है, उस पर क्विक रिएक्शन चाहूंगा, समय का थोड़ी सी वो है, तीनों मित्रों का रिएक्शन चाहूंगा। सारी बात छोड़ दे, कांग्रेस के लोगों ने नहीं मांगा जवाब, मान लिया, करोड़ों लोगों ने कह दिया कि राहुल हमारे नेता, वो कहीं रहे हमें कोई चिंता नहीं, चलो मान लिया। हालांकि ऐसा होता नहीं, घर वाले भी बेटे की खोज खबर रखते हैं, कहां है, खैर छोड़ो, हम मान भी लें, बाकी किसी को पूछने का हक नहीं, हम ये भी मान लें कांग्रेस की बात कि भाई आप क्यों पूछ रहे हो, आप कौन होते हो, मेरा लड़का कहीं रहे। लेकिन अमेठी को तो ये नैतिक और संसदीय परंपराओं के तहत हक हासिल है कि उसको पता हो उसका सांसद कहां है। विजय बहादुर पाठक, नहीं ठीक बात है, और यह जानकारी नहीं थी इसीलिए वहां पोस्टर लगे, वहां पोस्टर लगे, जानकारी देनी चाहिए थी। और सुरेंद्र भाई ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दों से भटकाव के लिए इस विषय कर रहे हैं। आप बताइए, राहुल जी अति सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, और अगर अति सुरक्षा व्यक्ति का व्यक्ति है तो जो मूवमेंट होता है क्या सरकार की जानकारी में नहीं होगा? हमने जिन मर्यादाओं का पालन करना था उन मर्यादाओं का पालन भी किया। इस पर मैं भी बोलूंगा, ठीक है भाई पाठक जी। सुरेंद्र भाई, ईमानदारी की बात कहूं, आप टीवी पर कुछ भी बोल जाओ, लेकिन प्रामाणिक बात यही है जिसको पूरे देश और विश्व को स्वीकार करना चाहिए, हुकूमत हिंदुस्तान चाहती तो 5 मिनट के भीतर राहुल गांधी का ग्लोबल पोजीशनिंग बता देती, सामने कर देती। इसलिए यह मत कहिए कि ढूंढ रही थी भाजपा की सरकार। एसपीजी प्रोटेक्टी दुनिया में, आकाश में रहे, पाताल में रहे, धरती पर रहे, उसकी पोजीशन कभी सरकार से बाहर नहीं जा सकती। कितने कितने क्षण लगते हैं बताने में, लेकिन इस मर्यादा का पालन किया गया, इस मर्यादा का पालन किया गया कि वो नहीं बताना चाहते तो दूसरे को नहीं बताना चाहिए। नहीं, आप क्या सोच सकते हो एमएचए के पास जानकारी नहीं होगी कहां मूवमेंट है? सुरेंद्र भाई, अमिताभ जी देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं, सरकारों की जो गोपनीयता है मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की नीति प्रीति और परमार्थ और स्वार्थ है वो सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। बिल्कुल पूरी तरीके से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम सिर्फ यही हो गया था कि राहुल गांधी को ढूंढना, और पिछले 2 महीनों में अगर आप सारे ट्वीट देख लेंगे, इनके सारे कामकाज देख लेंगे, तो इन लोगों ने कामकाज छोड़ करके सारे काम किए। मेरे सवाल का जवाब भी मुझे उसी बीच में सबसे बात, और मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ, क्या एसपीजी प्रोटेक्टरी की लोकेशन ट्रेस करने में हिंदुस्तान की सरकार को 5 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं? अगर ढूंढ रहे थे तो पता क्यों नहीं दिया फिर? ये मर्यादा का पालन हुआ, ये नहीं आप मान रहे? देखिए, इन मर्यादाओं के पालन में इन्होंने क्या किया ये भी सार्वजनिक रूप से आ जाए। ठीक है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे चाहिए जिस प्रकार से कैमेस्टर की बात, फ्रांस में इन्होंने, सुरेंद्र भाई एक मिनट, एक मिनट, कैसे जन साहब, उत्तर प्रदेश में कोई भी नेता सरकारी सुरक्षा प्राप्त मूव करे तो उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी बिल्कुल 1 फुट तक की लोकेशन लेने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल समय नहीं लगेगा, ये तो सही बात है कि अगर सरकार चाहती, लेकिन लेकिन जो यहां पे बात हो रही है कि जो मुद्दों से भटकाने वाली बात हुई, तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे इस तरीके की बातें उभर करके आई कि जो है राहुल गांधी जी कहां पर हैं, क्या है। ये जरूर है कि भाई उनको ओपन करना चाहिए कि जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, और जो आपने बात उठाई कि अमेठी को तो जानने का हक है, हमारे सांसद का हक है, हमारे किसी को नहीं मानो हक, बाकी किसी का हक नहीं मानो, लेकिन अमेठी का तो हक है ना। बिल्कुल बिल्कुल है, वही चीज आपने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल है। और लेकिन ये सुरेंद्र राजपूत जी की मजबूरी है कि उनको भी नहीं मानो, वो भी पता करने की कोशिश एक बार जरूर किए होंगे कि कहां पर है हमारे नेता, उनको भी नहीं मानो तो जनता को और आपको कैसे बताएगी कि वो कहां पर थे? तो उनके सामने भी अपनी मजबूरी है, तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, विजय बहादुर पाठक जी,
एक सवाल ये भी है कि अगर कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना शख्सियत है तो क्या इतनी बड़ी पार्टी उनकी लीडरशिप में चलेगी? बहुत संक्षेप में। नहीं नहीं, यही देखिए, यही व्यक्तित्व पर चर्चा हो रही है। आज वो लौटे तो क्या उनकी जानकारी में नहीं है कि इन 56 दिनों में कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं को पसीने छूट रहे थे और विपक्ष आनंद ले रहा था कि राहुल जी कहां हैं? तो इस समस्या का समाधान कर देते। मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं, किसी विषय में फंसूंगा तो मेरा नेतृत्व मुझे उस समस्या का समाधान करने की चुप्पी साधी गई। ठीक है, अमिताभ जी संपाद की टिप्पणी। देखिए, मैं वही जहां से विजय बहादुर पाठक जी ने खत्म किया, मैं वहीं से बात उठाऊंगा। नेता वह जो पार्टी के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ता बनाए, दिल से लोग उसी को नेता मानते। बाकी तो टीवी की मजबूरी है, अखबार की मजबूरी है, पार्टी में रहना है तो राधे राधे कहना है, लेकिन नेता वही माना जाता है। जब राहुल जी ये जान रहे थे कि देश भर में, दुनिया भर में फजीयत हो रही है कांग्रेस की, तो खुद ही दो लाइन जारी कर देते दुनिया के किसी हिस्से से कि भाई मैं यहां हूं, बोलिए क्या परेशानी है आप लोगों को। सारी हवा खत्म हो जाती, सारे ट्वीट खत्म हो जाते, सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती, ना आरपीएन को जलालत होती, ना अजय माकन जी को जलालत होती। जनार्दन जी भी बता सकते थे, सुनंद भाई भी बोल सकते थे, सब निर्द्वंद हो जाते, निष्कंटक हो जाते, निर्भय हो जाते। लेकिन नहीं, भारत आज तक ही नहीं समझ पाया कि इसमें गुप्त क्या था। इतने बड़े नेताओं का कोई गुप्त होता है? नेताजी का गुप्त क्यों था, सुभाष बाबू का? उसका कारण है, चंद्रशेखर आजाद सबको बता के नहीं जा सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मार दिल जाए थे। भगत सिंह का गुप्त हो जाना समझ आता है, मनमोहनदास गुप्ता का गुप्त हो जाना समझ आता है, खुदीराम बोस का भूमिगत हो जाना समझ आता है। 77 में, इन 74 में जब इमरजेंसी लगाई श्रीमती गांधी ने, उस वक्त जो लोग भूमिगत हुए उनका भूमिगत होना समझ आता है। समाजवादी पार्टी के भी तमाम मित्र भूमिगत हुए, विजय भाई की पार्टी के, आरएसएस के तमाम लोग भूमिगत हुए, कांग्रेस छोड़ सारे लोग भूमिगत हुए, कांग्रेस छोड़ सभी जेल में गए या भूमिगत होना पड़ा। समझ में आता है, तर्कपूर्ण बात है कि शासन दमन कर रहा था, लेकिन यहां तो कोई परिस्थिति ऐसी नहीं थी। आप व्यक्तिगत कारणों से भी गए तो कोई जुर्म नहीं, कोई गलत नहीं, लेकिन मेरे मालिक परवरदिगार जिसने वोट दिया उसको हक है जानने का, और उसी के बिहाफ पर हम सवाल पूछ रहे। नहीं, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत काम तो अटका नहीं राहुल जी से कि 56 दिनों में मेरा कोई नुकसान हो गया। वो 156 दिन बाद आते तो भी स्वागत, 56 दिन बाद आ गए तो भी स्वागत, लेकिन अमेठी के लोग तो जानना चाहते थे। और अगर आप देश के नेता मानते हैं खुद को तो देश जानना चाहता था। आज अमित शाह जी अगर भूमिगत हो जाए तो सवाल उठेगा ना, इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष है आप भूमिगत कैसे हो गए? यह सवाल है, इससे ज्यादा नहीं कुछ, इससे कम नहीं कुछ। आज एक अवसर था, आज ही कम से कम भ्रम साफ हो जाते कि भाई यहां गए थे इसलिए गए थे, यह कार्य था, कोई बुरी बात नहीं। लोकतंत्र में इतनी पारदर्शिता रहनी चाहिए। यह कोई युद्ध काल थोड़ी है कि गुप्त रणनीति बनेगी, सार्वजनिक जीवन है, सार्वजनिक तौर पर आप मूवमेंट करिए, कहां दिक्कत है? दुनिया भर में जाइए, लोग जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं, भाषण देने जाते हैं, मित्रों से मिलने जाते हैं, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन मूल प्रश्न वही है, पारदर्शिता होनी चाहिए जो इस प्रसंग में नहीं दिखती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय बहादुर पाठक जी आपका, सुरेंद्र जी आपका, केसी जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी उत्तराखंड की, विधायक मांगे मंत्री पद, इस छोटे से ब्रेक की बात, फौरन लौट रहे हैं।